असल वेलकम चैनल होप यू आर आर डूइंग वेल इस्लामिक जुड़े स्टूडेंट्स का आज हमारा आठवां लेक्चर है ठीक है जिसमें जो है ना हम सोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं इस्लामिक लॉज के इस्लामिक जुड़े स्टूडेंट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इजतहा पे है इजतहा ऑफ इस्लामिक लॉ इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिशन कॉन्सेप्ट है काइंड और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो पर्सन रहा है एग्जाम्पल क्या है उसकी लिमिटेशन क्या है और उसके बाद एट द एंड जो है ना हम उसका कंक्लूजन जो है ना एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले जो है ना इंट्रोडक्शन में बेसिकली इजतहा है क्या हम कहते हैं कि हमें कोई नीड ऑफ टाइम मतलब ये मॉडर्न टाइम में अगर हमें जो है ना किसी लॉ की ज़रूरत है ठीक है तो हम उस लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है ना हम स्ट्रगल करते हैं ठीक है अब हम स्ट्रगल किस सेंस में करते हैं कि सबसे पहले हम कुरान में देखते हैं ठीक है उसके बाद हम सुन्ना में देखते हैं ठीक है उसके बाद हम इजमा की तरफ जाते हैं अगर हमारे पास इजमा का जो है ना वो सेटअप नहीं बनना मतलब कि इजमा की तरफ हम नहीं जा सकते कुछ सरकम सासिद ऐसे हैं कि हमें हम जो है ना वो इजमा की तरफ नहीं जा सकते तो तब भी जो है ना हम फिर जो है ना वो इज्तिहाद करते हैं यानी कि हम स्ट्रगल करते हैं स्ट्रगल जो है ना वो इस सेंस में करते हैं कि पहले हम उसको पूरा कुरान में सर्च करते हैं ठीक है फिर हम उसको सुन्ना में रिसर्च करते हैं ठीक है फिर हम जो है ना वो जो जो है ना उस सब सब चीज़ों में रिसर्च करने के बाद फिर जो है ना हम एक चीज़ पे जो ना वो मुतफ़ हो जाते हैं कि बेसिकली इसके वाले से ये लॉ होना चाहिए ठीक है अब इजहाद का जो कॉन्सैप्ट था ना बेसिकली वो दिया था सुन्नी स्कूल ऑफ थाट्स ने ठीक है जो सुन्नी स्कूल ऑफ़ थाट्स है ना उन्होंने इजतहाद का जो ना कॉन्सेप्ट जो है ना दिया था शिया जो शिया स्कूल ऑफ़ थाट्स है ना वो इन चीज़ों को नहीं मानते ठीक है तो इसमें इसमें यही होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का सोलूशन आपको कुरान और सुन्ना से नहीं मिल रहा ठीक है तो फिर आप जो है ना वो उसमें स्ट्रगल करते हो ठीक है पहले कुरान और सुन्ना में देखते हो फिर जो है इजमा की तरफ जाते हो लेकिन इजमा जो है ना वो ए, उस सरकम ठासी में कि इजमा मुमकिन नहीं है तो दैन फिर आप जो है ना वो इश्ते करते हो यानी कि ख़ुद से डिसीजन करते हो आ, सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद एक लॉन्ग टाइम आप रिसर्च करते हो ठीक है रिसर्च करने के बाद अगर फिर भी आपको उसका सोलूशन नहीं मिल रहा तो फिर आप जो है ना वो खुद किसी चीज़ पे जो है ना वो मुतफिक हो जाते हो यानी कि ख़ुद जो है ना किसी चीज़ को एग्री कर लेते हैं ठीक है उस सलूशन को जो है ना वो रिजॉल्व करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज का टाइम पीरियड है ठीक है आज के टाइम पीरियड में हमने ये देखना है कि क्या स्मोकिंग जो है ना वो स्मोकिंग को इस्लाम ने हराम डिक्लेयर किया है कि नहीं अब जो है ना अगर कुछ जूडिस्ट को हम देखें तो वो कहते हैं कि स्मोकिंग जो है ना वो मकरू है ठीक है कुछ जो जूडिस्ट हैं ठीक है वो इसको जो है ना मक़रू नहीं कहते वो कहते हैं आप अगर कोई पर्सन जो है ना वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको करने दिया जाए ठीक है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सही है तो ये बेसिकली जो है ना वो आज के टाइम पीरियड में जो है ना ये जूडिस ने इसके ऊपर स्ट्रगल की ठीक है स्ट्रगल करने के बाद जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया ठीक है जैसा कि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अब जो है ना वो आइस और जो है ना तंबाकू वगैरह का कॉन्सेप्ट और जो है ना वो चर्च्स वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड में ये चीज़ें नहीं थी सही है तो हमने क्या इससे हाथ किया पहले कुरान से कंसर्न की ठीक है कुरान में देखा कि कुरान इसके हाले से क्या कहता है फिर सुन्ना में देखा ठीक है फिर हमने जो है ना वो जब हमने डिफरेंट चीज़ों को जो है ना वो सर्च किया ठीक है फिर हमने एक चीज़ को एनालॉजी किया ठीक है कंपेयर किया एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ ठीक है और तब तब हमें पता चला कि ऐसी जोन सी भी चीज़ आप जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन से आपको हटा देती है ठीक है वो इस्लाम ने हराम डिक्लेयर किया है इस वजह से फिर हमने आइस और चेस वगैरह को भी जो है ना वो हराम डिक्लेयर कर दिया ठीक है तो बेसिकली इजहाद भी यही है कि आप जो है ना वो किसी चीज़ को सर्च किसी भी मैटर का जो है ना वो सलूशन फ़ाइंड करते हो ठीक है अगर वो चीज़ आपको होली कुरान और सुना में नहीं मिल रही ठीक है इजतहाद बेसिकली ये है कि किसी भी मैटर के सोलूशन को फाइंड करने के लिए ना हम जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं ठीक है और वो जो चीज़ हमें जो है ना कुरान और सुना से नहीं मिल रही ठीक है इसको डॉक्टर आप जहाद भी कहते हैं ठीक है? जहाद के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें इस्तसान आता है ठीक है इसतसान में मैंने सोर्सेज ऑफ लॉ में आपको बताया था कि इस्तान बेसिकली क्या होता है ठीक है उसके बाद जो है ना वो 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 मसला मरासला क्या होता है ठीक है इस्तेजाब इस्तदलाल का क्या कॉन्सेप्ट है ठीक है ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना किसी चीज़ पर एनोलॉजी करते हो ठीक है लॉजिक रीजनिंग देते हो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से प्रेफर करते हो ठीक है जो नीड ऑफ़ टाइम में जिन चीज़ों की ज़रूरत है ठीक है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो ये बेसिकली जो है ना वो अहतसान इसजाब और इस्तलाल वगैरह का जो है ना ये कॉन्सेप्ट है ठीक है जो कि मैं पहले सोर्सेज ऑफ लॉ में जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैं ये इहतसान और ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियरली जो है ना एक्सप्लेन किया था उसमें ठीक है तो इस बेसिकली जो है ना ये भी एक जो है ना इस्लामिक लॉ रि सोसा इस्लामिक लॉ का ठीक है इस इसका मीनिंग मैंने आपको पहले बताया कि मैस आप एफर्ट करते हो किसी चीज़ के लिए ठीक है मैक्सिमम एफर्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एन एन और जॉब ठीक है किसी भी मैटर के सलूशन को फाइंड करने के लिए जो ना आप मैक्सिमम एफर्ट करते हो उसको हम इश कहते हैं ठीक है ये बेसिकली इस एन अरेबिक वर्ड जो कि जिहाद से जिहाद से ये जो वर्ड है जो ना वो ड्राइव है जिहाद ठीक है विच मीन टू स्ट्राइक हार्ड और टू स्ट्रगल ठीक है जैसे कि मैंने वो ही कहा आपको पहले बात बताई कि आप किसी चीज़ को किसी मैटर के सोलूशन को जो है ना फाइंड करने के लिए आप स्ट्रगल करते हो ठीक है डेफिनेशन डिफरेंट जूडिस ने इसकी डेफिनेशन दी है ठीक है इजतहाद इज द जनरल प्रोसेस ऑफ जूडिस इंडेवर टू सरटेन द टर्म ऑफ शरिया ला ठीक है और इजिहाद मीन टू स्ट्राइव हार टू नो द रूल ऑफ शरिया ठीक है uh, किसी किसी भी जो है ना रूल्स को इस्टेबलिश करने के लिए किसी भी रूल्स किसी भी मैटर के रिलेटेड जो है ना वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो है ना आप जो है ना डिफरेंट शरिया के जो डिफरेंट लॉज हैं ठीक है उनको ऊपर रिसर्च करते हो स्ट्रगल करते हो ठीक है दैन फिर आप जो है ना उसका सोलूशन निकालते हो तो उसको हम इससे हाथ कहते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू uh, फ्रूकी फ्रूकी जो है ना उनके मुताबिक जो है ना वो बिजली इज्ते कहते हैं कि सिस्टमेटिक रीजनिंग एंड डिसिप्लन ड्राइविंग ठीक है इसको जो ना हम इजात कहते हैं ठीक है कुरान रीज में भी इसके वाले से बहुत सी जगहों पे लिखा गया है सुनना में भी इजहत का कॉन्सेप्ट जो है ना हमें जो है ना वो मिलता है सुनना में भी जो है ना इसहाद इस का कॉन्सेप्ट मिलता है हु वीन शुड टेक अ लेसन एंड हु स्ट्राइव इन ओवर कॉज वी विल सर्टेनली देम टू गाइडि पाथ फॉर वेरीली अल्लाह इन विद दूस हु डू राइट्स ठीक है इसमें बेसिकली अल्लाह ताला ये अशात फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में ठीक है अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं स्ट्रगल करते हैं ठीक है हमें उन उनको हम जो है ना उनको एक पाथ एक वे दिखाते हैं ठीक है और वो लोग जो है ना नेकोकारों में से हैं ठीक है तो ये अल्लाह ताला क्लियरली डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके वाले से जो है ना इस इस आयत में जो है ना वो अल्लाह ताला ने शाद फरमाया उसके बाद सुन्ना के वाले से जो है ना हमें डिफरेंट जो है ना कॉन्सेप्ट मिलता है तो अब अब अगर सुनना की एग्जांपल लें हम ठीक है कि सुना में जो है ना इस का क्या कॉन्सेप्ट है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादरमाया कि आप अपने फैसले को इज्तहा इस से इस्तेमाल करें ठीक है मतलब यानी कि स्ट्रगल करके किसी भी जो ना काम को करें ठीक है क्योंकि जिसको भी काम सौंपा जाता है तो अल्लाह ताला जो है ना उसकी राह जो है ना वो हमवार कर देते हैं ठीक है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर शाद समाया कि जब काजी अपना फैसला सुनाने में इश्हाद करता है तो उसके लिए दो अजर्स हैं ठीक है अगर गलती हो जाए तो एक ही अजर है ठीक है तो यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादा कि अगर जब भी कोई काज़ी वगैरह ठीक है जब भी वो जजमेंट देने लगता है तो जब वो जजमेंट अवार्ड कर देता है तो उसके लिए दो अचर है ठीक है मतलब उसको जो है ना दो गुना ज़्यादा जो है ना वो उसको सुवाब होगा अगर वो फेयर जजमेंट दे रहा है ठीक है और अगर उससे गलती हो गई है ठीक है मतलब उसने तो एक गुड फेय में जजमेंट दे दी लेकिन उसको बाद में पता चला कि ये जो उसने डिसीज़न दिया है ठीक है ये एक गलत डिसीजन था तो उसके लिए फिर जो है ना उसको फिर एक गुना जो है ना अज्जर मिलेगा उसका ठीक है तो ये इस हाथ का जो ना हमें कॉन्सेप्ट सुनना से भी मिलता है उसके बाद इसकी डिफरेंट काइंड हैं ठीक है काइंड ये हैं सबसे पहले अलबिया वो अलबियानी इसमें बेसिकली ये करते हैं कि हम एक मिनी को एलेबोरेट करते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है ना डिफरेंट श्वाहिद जो है ना हम इकट्ठे करते हैं ठीक है और फिर किसी चीज़ कि किसी चीज़ का जो ना सोलूशन निकालते हैं ठीक है एक है अल अल्कयासी अक्यासा कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस अभी रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं ठीक है कंपेयर करने के बाद जो भी फिर सोलूशन निकलता है आ, उस मैटर का ठीक है उसी के थ्रू जो ना फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं उसके बाद अल उसके बाद अल अलसलाही इन सिंपली मीन के अगर कोई ऐसा इशू राइज हो जाता है जिसके ऊपर पहले कोई जो है ना लाज मौजूद नहीं था इस्लामिक लाज कोई मौजूद नहीं था ठीक है तो उसके ऊपर मतलब उससे पहले जो उसके ऊपर जो है ना कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था ठीक है उसके ऊपर कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं था तो उसको उसके उसको उस मैटर को हमने कैसे रिजॉल्व करना है ठीक है उसका हमने सोलूशन कैसे निकालना है तो देयर्स एन अदर काइंड ऑफ इश्ते ठीक है तो ये बेसिकली थ्री काइंड थी ठीक है जिसमें जो ना मीनिंग को एलेबोरेट करते हैं और जो है ना वो शवाहिद इकट्ठे करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करने के बाद जो है ना वो सोलूशन का मैटर निकालते हैं दूसरा ये है कि हमने उससे पहले हमें उसके अलावा उससे रिलेटेड जो ना कोई लॉ नहीं था मिला ठीक है और फिर हमने उसका उस प्रॉब्लम का जो ना वो सलूशन कैसे निकालना है तो ये बेसिकली टाइप उसके बाद कौन पर्सन है जो इससे हाथ कर सकता है ठीक है देखिए इस इससे भी एक क्वालिफिकेशन है ठीक है कि ये पर्सन जो है ना वो, वो सिर्फ कर सकता है और उसको हम मुस्तहद कहते हैं ठीक है अब पहली बात तो यह हर लिहाज से कि ये जो ना वो उसकी एज एटीन प्लस होनी चाहिए पहली बात तो यह है कि इसमें काफ़ी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है ठीक है मतलब जो भी पर्सन मुशत होता है उसको ये है कि उसको इस्लामिक लॉ का नॉलेज होना चाहिए शरिया का उसको नॉलेज होना चाहिए अरेबिक लैंग्वेज का उसको पता होना चाहिए ठीक है उसमें जो टर्म यूज़ होती हैं अरेबिक उसका पता होना चाहिए ठीक है उसका जो है ना वो दस पंद्रह साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको कुरान और सुन्ना की समझ होनी चाहिए उसको शरिया लॉ का कम्प्लीट नॉलेज होना चाहिए ठीक है वो सेन पर्सन होना चाहिए ठीक है मतलब कि वो उसको उसको प्रॉपर नॉलेज हो हर चीज़ का ठीक है इनसेन नहीं होना चाहिए पागल नहीं होना चाहिए ठीक है एटीन प्लस उसकी एज होनी चाहिए सही है अरेबिक लैंग्वेज यही चीज़ें इसमें जो ना वो उन्होंने लिखी हैं ठीक है सच बोलने वाला होना चाहिए ठीक है फेत इन शर्या और उसका जो ना शरया पे ईमान होना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ें बेसिकली जो है ना वो मुस्तिद की होती हैं जो कि जिससे हाथ करता है ठीक है उसके बाद जो है ना इसकी एग्ज़ाम्पल हमें डिफरेंट एग्ज़ाम्पल भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल मिलती हैं लेकिन कुछ जो है ना मैंने यहाँ पर लिखी हैं ठीक है थीके? तो जब हज़रत अबू बकर के दौर में ठीक है ज़कात का जो है ना लोग ज़कात नहीं थे जो है ना वो दे रहे ठीक है तो फिर नबी हज़रतवक सदीक ने जो है ना वो इतहा किया था और फिर जो लोग जुक़ात नहीं थे दे रहे उनके अगेंस्ट जो है वो वार की थी जंग लड़ी थी ठीक है जंग इस सेंस में लड़ी थी कि उनको जो है ना कन्विंस किया था कि आप जो है ना वो जुक़ात पे करें ठीक है? हज़रत उम्र फरूबर हज़र के दौर में ठीक है जब जो है ना वो इस चीज़ पर इतहाद किया गया था देखे क्योंकि कुरान में क्लियरली डिफाइन है कि अगर आप चोरी करते हो तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे ठीक है लेकिन हजरत हज़रतुमर फरूक रज़ा के दौर में एक टाइम ऐसा भी था ठीक है कि जब जो है ना वो बूक की जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी ठीक है तो हज़रतुमर फरूक रज़त ने कहा था कि जब अगर कोई पर्सन तो हज़र उम्र फ्रू के रज उन्होंने कहा था कि जब कोई पर्सन चोरी करता है तो उसके जो ना हाथ काट दिए जाते हैं ये क्लियरली कुरान में लिखा है लेकिन अगर उस, अगर उसने चोरी किया किसी बेसिक नीड की वजह से ठीक है मतलब बेसिक नीड इस सेंस में कह रहे हैं कि उसका खाना जो है ना उस, उसका खाना नहीं था पूरा हो रहा ठीक है या उसके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो अपना जो है ना लिविंग जो सारा उसका सेटअप है उसको जो है ना वो बना सकता तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे ठीक है इसमें इन सिंपली के अगर कोई पर्सन किसी नीड की वजह से उसको ज़रूरत है उसकी वजह से वो चोरी कर रहा है ठीक है तो वो खलीफा ज़िम्मेदार होगा ना कि वो पर्सन जिम्मेदार होगा जो चोरी कर रहा है ठीक है तो ये जनरल जिया ने जब ये कानून लागू किया था तो उसके ऊपर भी फिर उल्मा ने इतराज किया था कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो किसी नीड की वजह से अगर आपने हजरत अमर फ़रू को फॉलो करना ही है क्योंकि जिया साहब कहते थे, थे कि हमने जो ना उनको फॉलो करना है तो अगर उनको फॉलो करना है तो फिर आप ये भी देखें कि उन्होंने जब अपने टाइम पीरियड में बुक की वजह से लोग चोरी कर रहे थे तो उन्होंने उनको उनके हाथ नहीं काटे उन्होंने कहा कि इसका ज़िम्मेदार खलीफा है ठीक है वो लोग नहीं है जो कि चोरी कर रहे हैं ठीक है उस उसके बाद एक और इससे याद है कि जिस जिस औरत का बच्चा हो उसको भी जो है ना वो आप स्लेव नहीं बना सकते ठीक है उसके बाद इसके ऊपर लिमिटेशंस भी हैं ठीक है किन चीज़ों पे आप इस याद नहीं कर सकते देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये जो चीज़ क़ुरान और सुन्ना में क्लियरली डिफ़ाइन की गई है ना उसके ऊपर आप इश्ते नहीं कर सकते ठीक है जो क्लियरली डिफ़ाइन है ठीक है जिनका मीनिंग क्लियरली लिख चुका गया है जो कि क्लियरली टेक्सट डिफ़ाइन है उनके ऊपर आप इज्तार नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद जो इश्हाद किन चीज़ों पे कर सकते हैं जिन चीज जो चीज़ें आपको कुरान और सुन्ना से नहीं मिल रही ठीक है उन चीज़ों पे आप जो है ना इजतहद कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी आप जो है ना वो कुरान के अगेंस्ट इजतह नहीं करेंगे ठीक है सुन्ना के अगेंस्ट इजहार नहीं करेंगे किसी मॉल ट्रूथ के अगेंस्ट इजहार नहीं करेंगे जो इस्लाम के फाइव पिलर हैं उनके अगेंस्ट इजहार नहीं करेंगे ठीक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं इसके अगेंस्ट इजतह नहीं करेंगे ठीक है जो इस्लाम ने रूल्स डिफ़ाइन किए हैं उनके अगेंस्ट आप इजतह नहीं करेंगे ठीक है तो ये जो ना कुछ लिमिटेशन भी हैं इसहात की जो कि जो ना यहाँ पे डिफाइन की गई है उसके बाद ऐसा चाहिए आप कंक्लूजन लिखेंगे बेसिकली इस्तेद कहते हैं कि, कि किसी चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल की है ठीक है किसी लॉ को किसी रूल्स को ड्राइव करने के लिए जो ना आपने स्ट्रगल किया है ठीक है टू स्ट्राइव हार्ड टू नो द रूल ऑफ शडिया ठीक है कि शडिया uh, लॉ को स्टेबलिश करने के लिए जो ना आपने स्ट्रगल किया है तो उसको हम इस कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये एक बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है के वाले से इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आकमेंट्स में बोल सकते हैं नोट साहब को डिसक्शन में मिल जाएंगे इशाला जल्दी इतना खड़ी में तो दोस्त